कीप वॉचिंग एंड ध्यान से पूरी वीडियो देखना अदरवाइज इट वी हेल्पफुल फॉर यू ओके सो नो मैटर वॉट योर स्किन टाइप इज चाहे आपका स्किन टाइप ऑयली हो या कॉम्बिनेशन हो या नॉर्मल हो ड्राई हो एक बेसिक बिगिनर फ्रेंडली स्किन केयर रूटीन के फोर स्टेप्स होते हैं द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी स्किन केयर रूटीन इज क्लेंसिंग आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप इज ट्रीटमेंट थर्ड स्टेप इज सन प्रोटेक्शन एंड फोर्थ स्टेप इज मॉइस्चराइजेशन ओके स्टेप ऑन क्लेंजिंग के ऊपर कई सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ बट जो कुछ मेन मेन पॉइंटर्स है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है वो है नंबर वन आपका क्लेंजर ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए एक लो पीएच एच क्लेंजर और एक पीएच बैलेंस्ड क्लेंजर आइडियल होता है स्किन को रेगुलरली क्लीन करने के लिए सेकेंडली अगर आप डे टाइम में मेकअप एंड वाटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन यूज करते हो इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूँगी डबल क्लेंजिंग डबल क्लेंजिंग कैसे करना होता है अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर क्लेंज़र हमेशा आपके स्किन के स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए एंड द रूल ऑफ थम्बीज अगर फेस वॉश करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद आपको टाइटनेस फील होता है या फिर वाइट पैचेस दिखने लगते हैं इन दैट केस माय फ्रेंड यू नीड टू गो फॉर अ जेंटलर क्लेंज़र क्योंकि आपका करेंट फेस वॉश आपके स्किन के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप कर रहा है दो तीन क्लेंजर्स जो मैं प्रेफर करती हूँ एंड मैं ऑफन यूज़ भी करती हूँ आर नंबर वन द बायोडर्मा फेस वॉश दिस पिंक वन नंबर टू इज अ हिमालय फेस वॉश एंड नंबर थ्री इज अ मिनिमलिस्ट एक्वापोरिन फेस वॉश एक और टाइप के क्लेंजर्स होते हैं एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर्स और सैलिसलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स इस तरह के क्लेंजर्स सूटेबल होते हैं ऑयली एंड प्रोन स्किन के लिए बट इस तरह के फेस वॉशेस मैं डेली यूजेज के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उससे स्किन ज़्यादा ड्राई आउट हो सकती है तो ऑल्टरनेट डेज आप यूज़ कर सकते हो एक्सपोलियटिंग क्लेंजर्स नेक्स्ट जो स्किन केयर में सबसे ज़्यादा ओवरवर्मिंग एंड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेप होता है दैट इज ट्रीटमेंट स्टेप उसके बारे में देख लेते हैं आपका स्किन केयर गोल क्या है या फिर आपको स्किन प्रॉब्लम क्या है जैसे फाइन लाइन्स और रिंकल्स पिगमेंटेशंस डार्क स्पॉट्स टैनिंग एक्ने ब्रेकआउट्स ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आपको कौन सी स्किन प्रॉब्लम है या फिर आप क्या अचीव करना चाहते हो इसके ऊपर ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट प्रोडक्ट कौन सा सीरम या एसेंस एम्पूल यूज़ करना चाहिए हियर नाउ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड सीरम्स तो अगर आप बिगिनर हो एंड आपको नॉलेज नहीं है तो इन दैट केस बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना क्योंकि आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट ईजी एंड सिंपल फॉर यू फर्स्ट बात करते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई डल एंड डिहाइड्रेटेड है इन दैट केस लुक फॉर इन्ग्रीडियंट्स लाइक हाइलुरानिक एसिड ग्लिसरीन स्नेल म्यूसिन एक्सेट्रा क्योंकि ये सारे इन्ग्रीडियंट्स बहुत हाइड्रेटिंग होते हैं स्किन को डिप मॉइस्चर सप्लाई करते हैं इनफैक्ट अगर आपकी स्किन ऑयली और नॉर्मल भी है इन दैट केस ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट एक हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट आपके रूटीन में होना चाहिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ट्वेंटी uh, से थर्टीज के एज रेंज में हो अगर आपकी स्किन ऑयली एक्सेसिवली ऑयली एंड प्रोन है इन दैट केस आप कोई सैलिसिलिक एसिड और बी एच ए बेस्ड एक्सपोलियंट यूज कर सकते हो दिस विल रिड्यूज और कंट्रोल द एक्सेसिव ऑयल और सीबम फ्रॉम योर स्किन एंड ऑल्सो दिस विल कंट्रोल

वन ऑफ़ दीज इंग्रेडियंट्स एमंग बेजल्परऑक्साइड रेटिनॉल एंड सलसिल्क एसिड तो प्लीज़ नोट कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे इन्ग्रीडियंट्स आप एक साथ यूज़ करना स्टार्ट कर दो सारे सीरम्स ख़रीद के नॉट लाइक like दैट तीनों इन्ग्रीडियंट्स बहुत ही स्ट्रॉग एंड पावरफुल है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इनमें से कोई भी एक इन्ग्रेडियंट चूज़ कीजिए चूज एनी वॉन और आस्क अ डॉक्टर और एन एक्सपर्ट ना अगर पिगमेंटेशन पी आई एच प्रॉब्लम एरियाज़ है यू कैन चूज एन अल्फाबीन एंड और सीरम और अट्रानिक एसिड सीरम क्योंकि दीज इंग्रेडियंट्स आर इफेक्टिव इन टारगेटिंग इन एडिशन टू दिस आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि अगर आपको सीवियर स्किन इशू है जैसे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट स्टबॉन पिगमेंटेशंस और एक्ने ब्रेकआउट्स और डर्माटाइटिस रोजिशिया इन दो केसेस आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करना एंड कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है ओके okay, नाउ किस सीरम को पहले अप्लाई करना चाहिए किस सीरम को बाद में अप्लाई करना चाहिए कैसे सीरम्स को लेयर करना चाहिए ये सब लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशन्स होते हैं बिगिनर्स को तो प्लीज़ रिमेंबर दीज रूल्स नंबर वन इज़ फॉलो द थिनर टू थिकर रूल दैट इज आपके जो भी सीरम्स थिना कंसिस्टेंसी में है उन सब उन सब सीरम्स को आपको पहले अप्लाई करना कर लेना है एंड उसके बाद धीरे धीरे मूव ऑन टू थी सीरम सपोज आपके पास दो सीरम्स है एक हाइलुरानिक एसिड सीरम है एंड एक विटामिन सी सीरम है तो आप कौन सा पहले अप्लाई करोगे तो आप देखो दोनों सीरम्स के कंसिस्टेंसीज टेक्शर्स चेक करो जो भी सीरम ज़्यादा थीन है ज्यादा वाटरी है लाइट वेट है उसको आपको पहले अप्लाई कर लेना है एंड आफ्टर दैट आपको थिकर वाला सीरम अप्लाई करना है रूल नंबर टू इज अगर आप अपने रूटीन में कोई एक्सफोलिएटिंग सीरम यूज कर रहे हो इन दैट केस आपको वो सीरम सबसे पहले अप्लाई करना है बिफोर एनी अदर सीरम्स बिफोर एनी विटामिन सी और एनी नाइसन सीरम और हाइड्रेटिंग सीरम सबसे पहले क्लेंजिंग के बाद आपको एक्सफोलिएटिंग सीरम पहले अप्लाई करना है उसके बाद आफ्टर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स आप बाकी सीरम्स अप्लाई कर सकते हो लेयर कर सकते हो रूल नंबर थ्री कोई भी एक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स को स्ट्रॉन्ग सीरम्स को सेम रूटीन में एक साथ आपको यूज नहीं करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक्सफोलिएटिंग सीरम या एसेंस यूज कर रहे हो सेम रूटीन पे या सेम डे पे आपको कोई रेटिनॉल यूज नहीं करना चाहिए या फिर कोई हाई परसेंटेज विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं करना चाहिए सो दीज आर द बेसिक रूल्स जो आपको फॉलो करना है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आ, कौन सा सीरम पहले अप्लाई करूँ उसके बाद कौन सा सीरम अप्लाई करूँ एंड इसके बाद आते हैं और दो स्टेप्स दैट इज़ सन प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजेशन तो अबाउट सन प्रोटेक्शन इट्स अ मस्ट चाहे आप अपने ट्वेंटीज में हो या थर्टीज में हो आपको डेली बेसिस पे सन प्रोटेक्शन या सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है सनस्क्रीन चूज़ करते टाइम प्लीज चेक द एस एंड द पी ए रेटिंग मैं प्रेफर करती हूँ एस पी एफ फिफ्टी एंड अबव एंड पी ए रेटिंग ऑफ एटलीस्ट ट्रिपल प्लस और इफ़ पॉसिबल अ ट्रिपल प्लस सनस्क्रीन अगर आप रेगुलरली यूज़ नहीं करोगे इन दैट केस स्किन हेल्थ को मेंटेन करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल स्किन के रूटीन का फाइनल स्टेप होता है मॉइस्चराइजर एक अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइजर में मैं प्रेफर करती हूँ जितना हो सके सिंपल इन्ग्रेडियंट लिस्ट हो जैसे एक्टिवस uh, वाले मॉइस्चराइजर जैसे नाइसन मॉइस्चराइजर विटामिन सी मॉइस्चराइजर ये सब मैं प्रेफर नहीं करती हूँ आई प्रेफर कि मेरे मॉइस्चराइजर में बेसिक सिंपल हाइड्रेटिंग इन्ग्रेडियंट्स प्रेजेंट हो जैसे ग्लीसोरिन एंड सिंपल ऑयल्स एक्सेट्रा Two of my favorite moisturizers that are suitable for all skin types are number one the Venusia moisturizing lotion, and number two is the Cerave moisturizer. So, if you're a beginner ho and 20s se 30s ke age age range, then ho, hopefully you've understood. If you have any more questions, you can write down in the comment section. I'll try to answer each of them. So, thank you for watching this video. i'll See you soon with my very next video. For now, bye bye. Take care. Love you.